তার নাম দিদি কায় আছে দিদি শ্রী বিদ্যুৎ সে গহম রূপে যাচ্ছে চলো না আমরা শিখাই চলো শিখা দিচ্ছি पहुंचे गेलिए अहाँ अपना परिचय देती है तो बहुत ठीक रहते ठीक है हम अपन परिचय दे रही है सभी दीदी और भैया को प्रणाम मेरा नाम मैना देवी है जय माँ संतोषी संग सोहाता जीविका के कोषाध्यक्ष हूँ मेरा घर ममारकपुर है दीदी परिचय तो दिए दिलिए श्री विधि से गेहूँ के रोपनी का तरीका बता देती है तो अच्छा रहते रह बता तो देवे करम दीदी लेकिन की सब सामान लगे छे से समझ लू पहले तो अच्छा ठीक है बताइए दियो देखियो दीदी कोदारी है तो दीदी कोदारी से की करे छिए कोदारी से ना नाला बनै छै जैसे पानी उनी लगते ना अच्छा ठीक निकाले के दीदी खुरपी है तो दीदी खुरपी से की करे छिए खुरपी पर दीदी गहूम के रूपा होय छै अच्छा ठीक है दीदी कछुआ के खाद है हाँ। कट्ठा में 10 किलो धोकर दो बार जोताई हो हेंगा दे करके आ बस ठीक देखो दीदी उपचारित अंकुरित बीज है ठीक है दीदी देखियो कंक्रीट है दरीर घींचे वाला है ठीक है ई टेप है दूरी नापने के लिए ठीक है श्री विधि के गेहूं के रोपनी में लाइन से लाइन के दूरी 8 इंची रहे ठीक है दीदी देखियो दीदी ई खुटी से ई खुटी लेकर 8 इंची हो 8 इंच है ना हाँ नहीं विश्वास है तो नाप कर देखो अच्छा ठीक है दीदी भला ना हाँ रोपनी करे ला खेत कैसे तैयार कर ले दीदी सबसे पहले एक बेर गहरा जोताई कर दो बेर हल्का जोताई कर हेंगा देकर छोड़ दिल जाए ओकर बाद की करिए खेत में दीदी एक कट्ठा खेत में 10 किलो केचुआ खाद लेकर छिड़ दिल गेले ओकर बाद फिर से एक बेर जोताई कर हेंगा चला दिल गेले तैयारी होले चलो तन मदद कर दिए चलो मदद कहिए देव बहिना है जन जन में फैला द जीविका नाम श्री विधि महान है बहिना जन जन में फैला द जीविका नाम श्री विधि महान है करबै श्री विधि से खेती खाइबै अपना हम बेटी बहना है जन जन में ताई गाँव के समान है जीव कई भी महान है ना बहना बेटी बनता गाँव के समान है श्री विधि महान है करबै श्री विधि से खेती खाइबै अपना हम बेटी बहना है जन जन में ताई गाँव के समान है जीव कई भी महान है ना बहना बेटी बनता गाँव के समान है श्री विधि महान है दीदी रोप तो लेवे के लिए लेकिन गहूम के बीज छाया में कथी ला थोड़ा थोड़ा कल आन लिए देखियो दीदी सूती कपड़ा में एक बांधले छे
हम सब लेकर चलबा तो धूप में सूखकर एकर अंकुरी टूट जाता। ठीक है दे दे, थोड़ा थोड़ा लेकर चल अच्छे और छाया में सब रख दिलिये। ठीक है दीदी। दीदी पानी में कते दिन में देवे? दीदी पहला सिंचाई 21 दिन पर पड़े। अच्छा ठीक है दीदी। पहला सिंचाई के बाद जब खेत रुखा जाए के बाद कमैनी खुरपी लेकर गेहूँ में पड़ जाए के चाहिए। ठीक है दीदी। एक कट्ठा में दीदी कितना बीज लगे है? एक कट्ठा में 500 ग्राम लगाई है, एक एकड़ में 10 किलो लगाई। ठीक है दीदी। दीदी केचुए खाद डालिए और कुछ डालिए? नहीं खाली केचुए खाद है, 10 किलो कट्ठा में छिटे। ठीक है दीदी। केचुआ खाद डाले से की फायदा है दीदी? रासायनिक खाद बार बार दिए पड़े है, आ केचुआ खाद एक बार दिए पड़े है, कटनी तक हरियरी में धैले रहे। ठीक है दीदी। दूर दूर लगावे से की फायदा हो छे दीदी? दूर लगावे से एमे धूप लगे है, हवा लागल, दूरी रोपे से प्रकोप भी ज्यादा बढ़। ठीक है दीदी। सब समान रूप से बढ़े है और पौधा के कल्ला ज्यादा निकले है। ठीक है दीदी। दूरी लगल जाए छे लिए जेमे मूसा नहीं लगते, कमाए में बढ़िया होते। देखिए दीदी श्री विधि से गहूम के रोपनी करे से खर्चा कम लगे छे, लाभ ज्यादा होय छे। ठीक है दीदी। हमू आर के करबे। सभी दीदी या भैया से अनुरोध है श्री विधि के गहूम के खेती करो, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। धन्यवाद।